सही टाइम आने दो नीति, जिस दिन मेरे हाथ कोई सबूत लगेगा ना उस दिन बताऊंगा कि असल सच क्या है। कि देखिए स्पड़ी ने क्या हालत की मेरी बीवी की, छोड़ना नहीं है इस बार। लड़की बहुत चलाक है, ये झूठ पे झूठ बोल के परी को फंसाने की कोशिश कर रही है। सब कुछ जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे वो लोग, अब देखना कैसे खुद की जिंदगी जेल की चक्की पीसने में जाएगी। क्या राजीव को हो जाएगी बड़ी सजा? आखिरकार कौन निकालेगा राजीव को जेल से बाहर? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो परी है वो राजीव को बचाने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जो नीति है वो भी राजीव को बचाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में शो में बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलने भी वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो राजीव है उसको बचाने के लिए नीति वकील ढूंढती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नीति को कोई वकील नहीं मिलता है। अब ऐसे में ताई जी परेशान हो जाती है और सोचती है, कहती है कि भाई एक ही तो मौका मिला था, अब हम यहां पर भी मौका का फायदा नहीं उठा पाए तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब ऐसे में ये लोग सुनवाई के लिए चले जाते हैं वापस कोर्ट रूम में। आने वाले एपिसोड में अब आप यही देखेंगे कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे यहां पर राजीव को एक बार फिर से कोर्ट रूम में पेश किया जाता है और इस बार भी कोई वकील आया नहीं है, लेकिन परी ने कहा है कि वकील को वो जरूर लेकर आएगी। आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। अब फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।